टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम। आपको बता दें कि रिक्शे का किराया जो है 2015 में ही बढ़ चुका था, लेकिन उसे लागू नहीं किया गया था और अब 1 जनवरी सन 2021 से ये जो किराया है ये लागू किया जा रहा है। 6 रिक्शा संगठनों ने जो है ये फैसला लिया है। न्यू ऑटो रिक्शा यूनियन मुम्बरा, कौसा ऑटो रिक्शा यूनियन मुम्बरा, मनसे रिक्शा यूनियन मुम्बरा, महाराष्ट्र रिक्शा यूनियन मुम्बरा, सारा ऑटो रिक्शा यूनियन मुम्बरा, ऑटो रिक्शा वेलफेयर सोसाइटी मुम्बरा, इन लोगों ने 6 ऑटो रिक्शा यूनियनों ने जो है किराया बढ़ाने का फैसला लिया है और ये किराया 1 जनवरी 2021 से लागू होगा। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है रामाकृष्णन विष्णु, उनसे हम बात करेंगे किराया जो बढ़ाया गया है ये कहाँ से कहाँ तक का और कितनी इसमें वृद्धि की गई है। किराया देखे जाएंगे तो आप किराया बढ़ाया नहीं गया, किराया कम करेगा, 2 रुपया कम किया ऑटो के हिसाब से हम लोग ने। अच्छा, कम किया गया है, 4 रुपये है, हम लोग ने सिर्फ 2 रुपये किया। तो जिस तरह से मुम्बरा रेलवे स्टेशन से अगर पैसेंजर बैठता है ऑटो रिक्शा में तो उसे मुम्बरा पुलिस स्टेशन तक जाता है तो उसका कितना किराया लगेगा? 10 रुपये है, मिनिमम 10 किया, 12 था उधर 10 किया। अच्छा, जो 2015 में आरटीओ द्वारा जो लागू जीआर दिया गया था वही किराया आप लोग बढ़ा रहे हैं? वही फॉलो अप कर रहे हैं। अभी देखो इस चीज को 2015-16 मतलब 6 साल हो गए, फिर भी हम लोग ने बीच में यही नहीं किया। अभी ये गैस का भाव बढ़ गया, रेट बढ़ गए, उसके बाद में सेकंड टाइम गया गैस का रेट बढ़ा और फिर महामारी के चक्कर में और ये सब रिक्शा वाले हमारे भाइयों का मेंटेनेंस, गैस, स्पेयर पार्ट के भाव, सब 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 चीज़ के भाव डबल हो चुके हैं। अभी तो फिर हम लोगों ने 6 यूनियन मिलके फिर वो संगठन मिलके हम लोग तो हिसाब से हम लोगों ने सहमति से हम लोगों ने रेट्स ये किए। तो जिस तरह से देखा जा रहा है कि जो रिक्शा चालक है उनके और पैसेंजर के बीच में अक्सर पैसे को लेन देन के लिए किरायों को लेके विवाद भी हो जाता है, तो क्या ये जो मेनू कार्ड आप बनाए हैं चार ये रिक्शा ड्राइवरों के पास मौजूद रहेगा उनका और लेमिनेशन करके उन लोग रिक्शा में रखेंगे ताकि ये पहले भी हुआ था और अभी भी हम लोग वही चीज़ फॉलो कर रहे हैं। जैसे अभी भाई ने बोला कि हम लोग अभी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ये सब चीज़ और 1 तारीख से ये लागू होगा। जी जी, और मैं यही करूंगा, पब्लिक से यही अपील करूंगा आप लोग सपोर्ट करो। नहीं, अक्सर जो इलीगल तरीके से रिक्शा चलाते हैं वो मनमाना किराया लेते हैं, नहीं देने पर मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको यही दिया क्लेरिफिकेशन, क्या कुछ लोग ऐसे हैं जो विदाउट लाइसेंस ये वो उसके चक्कर में बहुत घूम रहे हैं और जो नशा कर रहे हैं तो उसके लिए हम लोग ने लेटर दे दिया ऑलरेडी आरटीओ में, पुलिस स्टेशन में और जैसे हमारी यूनियन की तरफ से हम लोगों ने बहुत सब लोगों ने मिलके उस चीज़ के लिए और जनवरी से जो स्टार्ट होगा अभी भी पुलिस कार्रवाई कर रही है, फोटो निकाल रही है, सब कर रही है। महबूब भाई, बढ़े हुए किरायों को लेकर आप क्या कहेंगे? सब तकलीफ में, इसलिए हम लोगों ने उसको जो किराया 2 रुपया 3 रुपया वो कुछ जगहों पर 5-5 रुपया कम किया है। इसलिए मेरी आवाम से गुजारिश है कि जनता इसमें ना पेंडेमिक ना होवे ना तकलीफ होवे कि रिक्शे वालों ने कुछ गलत किया है। हमने 2015 का किराया 5 साल के बाद हमने ये किराया अभी बिल्कुल हम लोगों के साथ में भी बैंक का लोन पड़ा हुआ है, बाद में CNG 2 बार किराया बढ़ गया, 4,000 का इंश्योरेंस आज 12,000 रुपये इंश्योरेंस हो चुका है, पासिंग का जो फीस थी आरटीओ की हर फीस बढ़ गई है, यानी लाइसेंस रिन्यूअल से लेकर परमिट रिन्यूअल तक रिक्शा वाला हर एक जगह पर ना बेचारा तकलीफ देता है। इसलिए मुम्बरा की जनता से मैं गुजारिश करूंगा कि रिक्शे वालों को तकलीफ को समझते हुए हम लोगों ने इस चीज़ पर डिसीजन लिया है। मुम्बरा कौसा की आवाम से यही हम लोग गुजारिश करेंगे कि जो भी रेट बढ़ाया गया है कोई ज़्यादा तो वैसे नहीं बढ़ाया गया है, 2 रुपया 3 रुपया 4 रुपया 4 रुपये से ज़्यादा कहीं पर भी नहीं बढ़ा है और 2015 में जो पास हुआ हुआ रेट था उसमें से कम करके बढ़ाया गया है, यानी कि जो हमको आरटीओ से जो मिला था रेट उसमें भी कम किया है 6 यूनियन ने आपस में बैठ के डिस्कस करके। तो आवाम से यही अपील है कि 2-2 रुपये कम किया, हाँ, टैरिफ कार्ड देखे, टैरिफ कार्ड के हिसाब से जो है रिक्शा ड्राइवर को भाड़ा दे, कन्फ्यूजन में ना जाए। अच्छा, आप लोग कई बार जो है ट्रैफिक इंचार्ज से मिल चुके हैं इलीगल रिक्शा को लेकर, लेकिन कोई कार्रवाई इस पर नहीं होती, लगातार धड़ल्ले से चलाए जा रहे हैं और ज़्यादातर ऐसे लोग चला रहे हैं जो ज़्यादातर नशा करते हैं, तो इन लोगों से जो ड्राइवर जिनके पास बैच है सब कुछ है वो भी तकलीफ में आते हैं, तो क्यों नहीं आप लोग ऐसे लोगों पर कठोर कार्रवाई करवाने के लिए आप लोग जो है ठोस कदम उठाते हैं? अभी ठोस कदम कैसा उठाएंगे, हम लोग ने हमारी एक पर्सनल मतलब एक यूनिट हमारी 4 ऑटो रिक्शा इन 6 के लिए हम लोग ने आपस में मिलाए, हमारी यूनिट नहीं सब 6 को मिलाया बिठाया जमा करके
कोशिश की है कि भाई एक प्लेटफॉर्म पे आए। अभी इंशाल्लाह एक प्लेटफॉर्म पे आए हुए हैं, तो ये जो नशा करके जो लड़के चलाते हैं, जो बाहर की MA02 गाड़ी चलती है, MA03 गाड़ी चलती है, 47 चलती है, ये सारों पे कानूनी कार्रवाई करने की मांग सब मिलकर करेंगे। पहला हम अकेले करते थे। क्या तकलीफें होती हैं? आप शहर में चलते हो, रात हो या दिन हो, आप अपना काम जिम्मेदारी से निभाते हो, लेकिन इस दौरान आपको किस तरह की तकलीफें आती हैं? तकलीफ कुछ नहीं, बस ट्रैफिक की तकलीफ होती है। और हम लोग को हर जगह स्टैंड महानगर पालिका ने अभी तक बना के नहीं दिए, तो वो बोर्ड लगा देंगे तो हमको कहीं से हटने की जरूरत नहीं रहेगी और कोई पब्लिक भी तकलीफ नहीं देगी। बस पब्लिक से ये रिक्वेस्ट है कि हमको 4 रुपये ज़्यादा है, बाकी हम लोग 2 रुपया ही बढ़ाया है, तो हम लोग को सहायता दे और हम लोग से कोई रिक्शा ड्राइवर से कोई मोह मजूरी नहीं करे और खुशहाली से उसका भाड़ा दे दे। 2014-15 का जो RTO का GR था, उस GR को RTO ने जो बढ़ाया हुआ भाड़ा था उसमें 2-3 रुपया वृद्धि की है और प्रवासी का संतुलन देख के, प्रवासी का भी पैसा सोच के और रिक्शा वाले का भी धंधा होना चाहिए, बस टैक्सी इसमें कंपैरिजन जोड़ के 6 यूनियन इकट्ठा होके सब ये कार्ड बनाया है और ये कार्ड की वजह से प्रवासी और रिक्शा चालक में कोई भी झगड़ा नहीं होगा, ये मैं गारंटी देता हूँ। इसके लिए आपसे भी अपील है कि आप भी थोड़ा पब्लिक से अपील करो कि रिक्शा वालों को कोऑपरेट करो। गैस का भाव बढ़ गया, टायर का भाव बढ़ गया, स्पेयर पार्ट का भाव बढ़ गया, मेंटेनेंस बढ़ गया, हर चीज का भाव बढ़ चुका है। इधर गैस पंप के ऊपर तो रिक्शा वाले 5-5 रुपए ऐसे ही छोड़ देते, वो देते नहीं है पैसा, छुट्टा नहीं है। अभी 85 रुपया हुआ, 90 रुपए दिए तो 5 रुपया रख लिए, 5 रुपया रिटर्न नहीं दिए। रिक्शा वाला तो हर जगह कोऑपरेट कर रहा है, लेकिन पब्लिक को भी थोड़ा जरा करो, ये पब्लिक भी कोऑपरेट करे थोड़ा। 6 साल से रिक्शा वाला पब्लिक को कोऑपरेट, अभी ये 6 साल से हम ये भाड़ा ले रहे हैं, ये भाड़ा जो आज भी लागू हुआ है ये हमको 2015 में लागू किया गया था, लेकिन आज ये भाड़ा हम 2020 में 21 में बढ़ा रहे हैं, यानी 6 साल से वही भाड़े में हम एडजस्ट कर रहे हैं। फिर भी उसमें भी RTO से 2 रुपए कम है, RTO ने जो GR दिया है उसमें उससे 2 रुपए कमी है। RTO के GR से 2 रुपया 4 रुपया 6 रुपया बहुत जगह पे, अभी दहीसर का 46 होता है लेकिन हमने उधर 40 रुपीज किए कि बाबा 46, पब्लिक को भी थोड़ा हमने सपोर्ट किए। कल्याण बड़ा 36 होता है, उधर 35 किया है, 30 किया है, डायरेक्ट 6 रुपया उधर कम किया है, हर जगह का भाड़ा हमने फिर भी जो GR से कम ही रखा है। कब्रिस्तान का 18 रुपया आया था, उसका 15 किया। आपने सुना कि जिस तरह से जो रिक्शा चालक है इनका भी साफ कहना है कि इनके साथ जो है जो पैसेंजर बैठते हैं वो इनका भी सपोर्ट करें। आपको बता दें जो 1 जनवरी 2021 से नया किराया लागू है, मुमरा रेलवे स्टेशन से अब शंकर मंदिर तक आपको 10 रुपया देना पड़ेगा, सोनाजी नगर से शरीफा रोड तक 12 रुपया है, नशीमन कौसा कब्रिस्तान 15 रुपया, काका नगर तलाव पाली 18 रुपया है और शिमला पार्क ग्लोबल पार्क 20 रुपया है, मुमरा बाईपास कालशेखर शिपली नगर दोस्ती 23 रुपया है, कौतर होटल तक 25 रुपया है, शील फाटा 28 रुपया है, कल्याण फाटा 30 रुपया है, उत्तर शिव 35 रुपया है, दहिसर मोरी 40 रुपया। इस तरह के जो है नए किराया जो है ये लागू किया गया है और शहर में आपको नए किराओं की जो है पोस्टर आपको देखने को मिलेगी। एक बात और आपको बता दें कि जो ऑटो चालक ड्राइवर है उनके पास इस तरह का जो है जो किराए का कार्ड है वो मौजूद रहेगा और आपको इस कार्ड को देखकर ही आपको किराया चुकाना पड़ेगा। कैमरामैन जफर के साथ इस्लामुद्दीन खान, प्रहार टाइम्स, मुमरा।